इंदौर में नाबालिग युवती को बहला फुसलाकर शादी करने और फिर गर्भ में पल रहे बच्चे को खत्म करने के मामले में पुलिस ने पति और सास को गिरफ्तार किया है। द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में रहने वाली 17 वर्षीय पीड़ित युवती ने थाने पर शिकायत की थी कि कुछ समय पहले पास में ही रहने वाले युवक ने उसे बहला फुसलाकर अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और फिर एक मंदिर में शादी कर ली। शादी के बाद उससे शारीरिक संबंध बनाने के बाद वह गर्भवती हो गई, जिसके पास पति और सास ने मिलकर उसे काढ़ा दिया, जिससे गर्भ में ही बच्चे की मौत हो गई और उसे घर से निकाल दिया। पीड़िता की शिकायत पर पॉस्को एक्ट सहित अन्य धाराओं में पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर पति और युवती के सास को गिरफ्तार कर लिया है। हाँ, एक हमारे क्षेत्र में एक 17 वर्ष की बालिका रहती थी, तो उससे पड़ोस में रहने वाले एक युवक से प्रेम संबंध हो गए थे, जो उसको और उसकी माँ ने अन्नपूर्णा मंदिर में ले जाकर के शादी कराई थी और 2 माह का उसका प्रेगनेंसी हो गई थी, तो उसको कोई काढ़ा वगैरह पिला दिया था जिससे उसका अबॉर्शन हो गया था और बाद में उसको प्रताड़ित करने लगे और उसके कारण जो है कल वो हमारे पास आई थी, जो पॉस्को अधिनियम और 376 के अंतर्गत जो है प्रकरण कायम किया गया था और दोनों माँ बेटों को जेल भेज दिया गया। आरोपी का क्या नाम है? आरोपी अब चूंकि अब पड़ोस के रहने वाले हैं इसलिए नाम बताना संभव नहीं।